दोस्तों आज हम आपको बताएंगे लहसुन खाने के फायदों के बारे में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। लहसुन को भोजन पदार्थ की श्रेणी में रखा जाता है, फिर भी हमें इसका नियमित सेवन करना चाहिए। चाहे आपको इसकी गंध अच्छी नहीं लगती हो, लेकिन यह हमारे शरीर के लिए बहुत फायदेमंद है। यह हमें कई बीमारियों से बचाता है, तो कई बीमारियों को नियंत्रित करने में मदद करता है। दोस्तों मौसम के हिसाब से आपको इसके खाने की मात्रा में बदलाव लाना चाहिए और पूजा या पर्व या त्यौहार के समय लहसुन नहीं खाना चाहिए। इन सब छोटी छोटी पुरानी बातों का भी अपना महत्व है। ठंड के दिनों में लहसुन थोड़ी अधिक मात्रा में खाया जा सकता है, लेकिन गर्मी के मौसम में इसे ना मात्र ही खाना चाहिए। तो आइए जानते हैं लहसुन के क्या क्या फायदे हैं और इसका उपयोग किस किस तरह किया जा सकता है। दोस्तों लहसुन का रस शरीर की गंदगी को त्वचा के रोम छिद्रों द्वारा बाहर करने में मदद करता है। जिन्हें दिल की बीमारी हो उनके लिए लहसुन बहुत फायदेमंद होता है। यह कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करके हार्ट अटैक और हार्ट ब्लॉकेज को रोकता है। अगर आपको शुगर की बीमारी है तो आपको एक लहसुन हर दिन खाना चाहिए। यह खून में इंसुलिन के स्तर को बढ़ाता है, जिससे शरीर स्वस्थ रहता है। यह संक्रमण से लड़ने में हमारे शरीर की मदद करता है। लहसुन हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। लहसुन की कलियों को पानी में तब तक उबालें जब तक ये मुलायम ना हो जाए। इसके बाद इस उबले हुए पानी में सिरका मिला दें और थोड़ी मात्रा में शक्कर मिलाकर सिरप बना लें। ऐसा करने से बनी दवा दमा के रोगियों के लिए बहुत फायदेमंद होती है। अगर आपके कानों में संक्रमण या दर्द हो तो हल्का गर्म करके लहसुन के तेल की 2-3 बूंदें अपने कानों में डालें। यह कान के बैक्टीरिया को मारकर बाहर निकाल देगा। लहसुन हमारे शरीर के रक्त संचार को भी बेहतर करता है। यह शरीर से गंदगी को बाहर निकालता है। यह फेफड़ों की जकड़न को ठीक करने में मदद करता है और सर्दी जुकाम को रोकने में आपकी सहायता करता है। दोस्तों अपने पाचन तंत्र को मजबूत बनाने के लिए हर दिन आपको लहसुन खाना चाहिए। जब भी मीट या वसा वाला खाना खाएं तब भी इसे खाएं। यह आपको बहुत फायदा पहुँचाएगा। दोस्तों अगर आपको जुकाम हो गया है या ठंड लग गई है तो लहसुन को पीस लें और गर्म कर लें। इस पेस्ट को खा लें, इससे आपको सर्दी जुकाम में आराम मिलेगा। दोस्तों लहसुन दिल के लिए बहुत फायदेमंद होता है। लहसुन को लौंग के साथ पीसकर दांत के दर्द वाले हिस्से में लगाने से दर्द कम हो जाता है। दोस्तों लहसुन हमारी त्वचा को सूर्य की नुकसानदायक किरणों से होने वाले दुष्ट प्रभाव से भी बचाता है। लहसुन गठिया के दर्द को भी कम करने में मदद करता है। गर्भावस्था के दौरान लहसुन लगातार खाना माँ और बच्चा दोनों के स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक है। यह गर्भ के भीतर पल रहे बच्चे के वजन को बढ़ाने में मदद करता है। गर्भवती महिला को अगर हाई बीपी की शिकायत हो तो उसे गर्भावस्था के दौरान लहसुन जरूर खाते रहना चाहिए। लहसुन समय पूर्व प्रसव के खतरे को भी कम करता है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने आपको बताया लहसुन खाने के फायदों के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी पसंद आए। अगर आपको ये वीडियो फायदेमंद लगे तो आप इस जानकारी को अपने दोस्तों से जरूर शेयर करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके ज़्यादा लोगों तक इस जानकारी को पहुँचाएँ। लाइक एंड कमेंट करके अपना फीडबैक भी दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। कीप शेयरिंग एंड कीप सपोर्टिंग अस। हम जल्दी मिलेंगे आपको एक और नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।